आज की वीडियो में हम देख सकते हैं आप ये वाला दुपट्टा बनाने वाले हैं। ये हमारे जो था आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में तो इसको देखते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है और सीखते हैं ठीक है तो ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा था ये देखने में तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें एक कपड़े को लेना है उसको साढ़े तीन इंच के चारों साइडों से बराबर बराबर काट लेने हैं और इसी फैब्रिक को रख के हमें बहुत सारे कपड़े काट लेने हैं इसी साइज के थ्री पॉइंट फाइव इंचिस नाप के काट लेंगे और इसको एक के बाद एक, एक सिलते रहेंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको और इसको सिलते वक्त ये ध्यान रखना है कि सारा जो हम सिल रहे हैं वो सिर्फ दो पॉइंट पे सिलना है ज्यादा कपड़ा इसको सिलने में नहीं डालना है ठीक है तो ये इस तरीके से सिंगल फोल्ड करके और इसको डबल फोल्ड कर लेना है और जो पहले हमने कपड़ा सिला है उसके अंदर हमें इसको सिलते हुए कंप्लीट करना है ठीक है ऐसे ही हम सारे ही कपड़े को कर लेंगे सबको हम इक्वली ही सिलेंगे ज्यादा कपड़ा नहीं लेना है हमको सिर्फ दो पॉइंट पे ही सिलेंगे दिखा रही हूँ मैं आपको सिर्फ मैंने दो पॉइंट पे ही सिला है क्योंकि हम यहाँ पे ब्लैक रिबन लगाने वाले हैं तो उस वो हम बहुत पतले वाला लगा रहे हैं तो इसलिए ज्यादा फैब्रिक नहीं लेना है सिलने में और आपको ध्यान रखना है हम सारे सिलेंगे ये बहुत सारा मतलब एक मीटर आपका लग जाएगा चुन्नी में जो आपका दुपट्टा होता है उसमें एक मीटर तक कपड़ा लग जाएगा इस तरीके से इसको कट करने में और सिलने में ठीक है ये देख सकते हैं मैंने ये बहुत सारी बना ली है लगभग मैंने तीन से चार मीटर बना लिया है मैंने इसको दोनों साइडों पे लगाया है ठीक है तो ये देख सकते हैं मैंने दुपट्टे को सीधा रखा है और उसको मैंने इस तरीके से रखा है और उसको मैं सिल रही हूँ मतलब तो जो ये हम सिलेंगे जितना भी कपड़ा सिला हुआ आएगा ये पीछे की साइड पे चला जाएगा बैक साइड पे और ये हमारा फ्रंट साइड में रहेगा और जो रिबन हम लगाएंगे वो भी जो हमारा है बैक साइड में ही रहेगा फ्रंट में मतलब सिंपल सा रहेगा तो इसी तरह सिल लेना है इसको और ये हमने दोनों साइड पे लगाया है आप चाहें तो चारों साइड पे इसके लगा सकते हैं बट तो मैंने दो साइड पे लगाया है और जो नीचे वाला साइड था हमारा वहाँ पे मैंने इसको सिल लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे रिबन लगा दूंगी ये देख सकते हैं ये मैंने दोनों साइडों पे सिल दिया है बिल्कुल अच्छे सिला है और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया ही था कि मैं नीचे के साइड पे सिलाई लगा दूंगी हाथ से मैंने यहाँ पे कच्चा कर दिया है और ये देख सकते हैं ये हमारा बैक वाले साइड पे आ गया है और वो फ्रंट वाला साइड है हमारा और यहाँ मैं बैक वाली साइड पर ही रिबन लगाने वाली हूँ तो पहले रिबन को फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद जो हमने सिलाई लगाई थी उसी के किनारे किनारे बिल्कुल इसको सिल लेना है सिलाई जो हमने पहले लगाई है इसको जोड़ने में वो वाली सिलाई हमारी नहीं दिखनी चाहिए उसी सिलाई के ऊपर हम ये वाला रिबन जो है ब्लैक कलर का रिबन मैंने यहाँ पे लगाया है इसको मैं सिल लूँगी और चारों साइडों पे इसको सिल लूँगी मैं ठीक है तो ये देख सकते हैं और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना इसको हम कट करने वाले हैं अभी मैं आपको बस सिंगल सिलाई लगा के दिखा रही हूँ कि कैसे सिलेगा ठीक है तो ये देख सकते हैं और यहाँ कॉर्नर जो इसका लास्ट वाला साइड था वहां तक इसको ले लेके आने के बाद मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया था मतलब इसको इस तरीके से घुमा लिया है और इसको मैं इस तरीके से इसी के शेप में लाते हुए इसको सिल लूंगी इसी तरीके से और ठीक है ये जो मतलब झोल सा आ रहा था हमारा इसको हम सिल लेंगे जैसे कि हम साड़ी के बॉर्डर में लगाते हैं बॉर्डर लगाते हैं साड़ी का तो वैसे ही हम इसको भी सिल लेंगे ठीक है तो ये देख सकते हैं मैंने सिल लिया है और ये मैं इस तरीके से इसको दबा दूंगी अच्छे से ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा कंप्लीट हो जाए ठीक है देख सकते हैं इसमें इस तरीके से दबा दूंगी और फिर ये हम इसको फिनिशिंग के साथ सिलाई मार देंगे इसके अंदर दे, ठीक है और ये देख लीजिए आप और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था हमारा मैंने आपको बताया था जो एक्स्ट्रा येलो वाला कपड़ा आ रहा था सिर्फ उसको ही काटेंगे जो हमारी चुन्नी का कपड़ा है या दुपट्टे का कपड़ा है जो हमारा उसको हम नहीं काटेंगे जो ये हमने एक्स्ट्रा जो बनाई है झालर सिर्फ उसको ही काटेंगे अगर वो एक्स्ट्रा आपका आ रहा है तो ही काटिए वरना काटने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है और ये जो चुन्नी वाला कपड़ा था दुपट्टे वाला कपड़ा था जो उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और किनारे की सिलाई लगा लेंगे मतलब मेरे कहने का ये है सिर्फ कि जो अंदर का सिलाई वाला जितना भी कपड़ा है वो रिबन की अंदर चला जाना चाहिए रिबन के बाहर नहीं दिखना चाहिए हमें इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और इसको हम चारों साइडों पे ही इसी तरीके से लगा लेंगे ये मैंने अंदर की साइड मतलब उल्टी साइड पे मैंने रिबन लगाया है आप चाहें तो इसको सीधे साइड पे भी लगा सकते हैं ठीक है तो मैं आपको बताया कि सीधी पे भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमने सीधी हमने सीधी साइड पे इसको सिला था तो आपको ये देख सकते हैं आप ठीक है कपड़े को मतलब जितनी सिलाई का कपड़ा है उसको अंदर करते हुए हम रिबन के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से पूरा मतलब दुपट्टे को सिल लेंगे ठीक है तो ये दिखा मतलब देख सकते हैं आप कि मैं, ये मैंने सिल लिया है और ये हमारा जो दुपट्टा है वो कंप्लीट हो गया है बनके तैयार है ये नीचे वाले साइड पर मतलब बताया था मैंने आपको सिर्फ सिंपल मैंने रिबन लगाया है ठीक है तो ये देख सकते हैं हमारा जो दुपट्टा है वो बनकर तैयार है ये दुपट्टा आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब